Good morning, students. How are you? I hope you all are fine and well. I hope you enjoyed the online class also. Last day we have completed chapter number 12 from your EVS book. Chapter name is Pollution. Question D and F means write short mark on and match the following. Today we will going to revise it. Multiple choice question. Multiple choice question first is acid rain is caused due to this. जो acid rain होती है वो किसका कारण होती है? Noise pollution है, water pollution है, air pollution है और soil pollution है. किसका होगा? Air pollution. Air pollution के कारण ही acid rain होती है. Two. Polluted water can cause diseases like this. जो polluted water होता है तो उसमें कौन सी डिजीज होती है, जैसे कि कॉलेरा, हेडेक और एलर्जी और फिर अस्थमा. ठीक है, तो इसमें से कौन सा होगा? कॉलेरा. ठीक है, क्या होगा? कॉलेरा. दिस रिड्यूसेस द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल. तो इसमें किसके कारण ये होती है? नॉइज पॉल्यूशन के कारण या वाटर पॉल्यूशन के कारण, सॉइल पॉल्यूशन के कारण या एयर पॉल्यूशन के कारण? उसके कारण होती है सॉइल पॉल्यूशन के कारण. जो फर्टिलिटी सॉइल की होती है वो रिड्यूस हो जाती है. ओके, द रेजिन ऑफ द अर्थ अर्थ टेम्परेचर ड्यू टू ग्रीन हाउस इफेक्ट इज कॉल्ड दिस. जो टेम्परेचर अर्थ की बढ़ती है दिन प्रतिदिन और फिर जो ग्रीन हाउस में अफेक्टेड होता है उसको क्या कहते हैं? नेशनल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग, लैंड वार्मिंग या ओशन वार्मिंग? क्या बोलते हैं उसको? ग्लोबल वार्मिंग. तो बच्चों अब इसको लिखेंगे. ओके, लेट्स बिगिन. Thank you.
changes. Changes again. Digits again. Past digits. What again? Past digits. Option. Due to mean cause effect each part. Yes.
national warming. B global warming. C land warming. D ocean. नेक्स्ट डे में हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे. ओके, नेक्स्ट चैप्टर इज डीफोरेस्टेशन एंड अर्बनाइजेशन. ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे. मे गॉड ब्लेस यू.